पन्नाला लक्ष्मैया कांग्रेस सीनियर लीडर ने नामपली में वाक़ गांधी भवन में मुनाक़िदा इजलास में शिरकत की और मीडिया से खिताब करते हुए पन्नाला लक्ष्मैया ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और केसीआर के आज के हालिया गांव के दौरे पर काफ़ी तबसरे किए। देखिए पन्नाला लक्ष्मैया का क्या कहना है। हमारा तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर साहब, ये मुख्यमंत्री स्टेट के होते रहते, हिंदुस्तान में ऐसे मुख्यमंत्री हम तो कभी कहीं भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ये 70 साल से हिंदुस्तान में। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री तो बाय इलेक्शन का मुख्यमंत्री है, उप एन का मुख्यमंत्री तेलुगु इंग्लिश लो ये सीएम फॉर बाय इलेक्शन होंगे। अभी देखिए जहाँ जहाँ बाय इलेक्शन होते हैं वहाँ वहाँ जाके प्रामिस करते हैं और उसके बाद कभी कभी बोले तो वहाँ जाके रिव्यू करते हैं। क्या 214 इलेक्शन से पहले आप जो जो प्रामिस करें क्या लोगों के सामने कभी बात किया क्या? मैं ये आश्वासन दिया, ये आश्वासन दिया, ये प्रामिस किया, ये कर रहा हूँ बोल के कभी बोले क्या? 2018 के इलेक्शन भी हुआ, वो इलेक्शन पहले या आप क्या क्या बोले, आपका मैनिफेस्टो में क्या था उसके बारे में लोगों के सामने कभी आया क्या? नहीं आया। और ग्रेटर हैदराबाद 2 बार इलेक्शंस हुआ, हाँ 2 बार इलेक्शंस में क्या क्या बोले उसके बाद कभी आए? वो फ्लड विक्टिम्स को 10-10 हज़ार देते बोले शहर में, अभी कहाँ दिए आप? आपका मुंह कहाँ रखते, सर कहाँ वहाँ रखते आप? तो आप बाय इलेक्शंस का सीएम बन गए, बाय इलेक्शन का सीएम है ये, है ये तो बहुत शोचनीय है, बहुत बुरा है। ठीक है आप गए, क्या है क्या बोले नागार्जुन सागर में, पोडू बुमर पोडू लैंड फॉर गिरिजन्स, क्या प्रजात अकबर बोले, कहाँ है प्रजात अकबर आज? आज तो मैं देखा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 o'clock रखा, क्यों बोले तो वो 11 बजे से 1 बजे तक रिव्यू करके हैं क्या बोलता देखेंगे, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो ठीक है, अब कल 7.5 घंटा कैबिनेट में बैठा ना, हाँ तो बहुत लेट हो गया होगा, तो आज थोड़ा लेट उठे होंगे सो इसके वास्ते लेट चलेगा, फिर भी मैं 1 बजे तो रखा। क्या है आप प्रजा दरबार किधर है, कोडू बुमरे के बारे में क्या कर रहे हैं, पूरे स्टेट में इतने साल से गड़बड़ हो रहा, मर्डर्स हो रहा, दिक्कत हो रहा, हाँ वो लोगों को अभी तक कुछ करे नहीं। और क्या बोलते हैं, आज नया स्लोगन आया दलित बंधु, दलित बंधु, ठीक है हैं 10 लाख रुपए कितने लोगों को, कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 लोगों को, 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में 11,900 जो 12,000 समझो, 12,000 को कितना होता, 12 मिनट यूज करके तेलंगाना आवाम को कन्विंस करके आप गवर्नमेंट में आए, सीएम बने, मगर क्या हो रहा है? आपको कौन जाएगा जज करेगा, एक चोर बोल के जज करेगा, आपका हिस्ट्री नहीं मालूम पासपोर्ट्स का, हाँ वो के सहारा केस नहीं है क्या, सीबीआई में केस नहीं है क्या, आप सीएम, हाँ चोर सीएम है, द्रोही सीएम है, बाय इलेक्शन सीएम है। धन्यवाद।